भक्ति, माँ बाप की दुआएं प्राप्त करने वाले, सदा सुखी, अशरीरी, राजयुक्त प्रकाश स्तंभों को गॉडली मॉर्निंग, नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन, अमृत वेला, प्रभात, ब्रह्म मुहूर्त का महत्व भक्ति में भी और व्यावहारिक जीवन में भी, विद्यार्थी जीवन में भी और इस रूहानी पढ़ाई में भी। सुबह सुबह की पढ़ाई, बाबा की याद से बनते हैं हम सूर्यवंशी राजधानी रूपी प्राइस के हकदार, और अपना ये दैवी राजस्थान हमें ही श्रीमत अनुसार स्थापन करना है। सेवा के सब्जेक्ट में बाबा आज एग्जीबिशन प्रदर्शनी के बारे में बात करते हैं। अच्छे अच्छे चित्र बनाकर, दिखाकर, समझाकर सभी को देश विदेश सब जगह कौड़ी से सभी को हीरा बनाना है, युक्ति से समझाना है ताकि विहंग मार्ग की सर्विस हो और सबको पता चले कि भगवान धरती पर आए हैं। आज तारीख है 10/10/2023। 10 तो माया को करना है अब वश। दान करने के लिए जमा करते हैं आज के अविनाशी ज्ञान रत्न। मीठे बच्चे, प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो, साथ साथ भारत को दैवी राजस्थान बनाने की सेवा करो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, प्रभात के समय, सुबह सुबह के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो। मन भी बाप में लगा रहे और बुद्धि में सिर्फ एक बाबा हो, बाबा को याद करना है और साथ ही साथ भारत को हमें दैवी राजस्थान बनाने की सेवा करनी है, देवी देवताओं के राज करने का स्थान बनाना है। प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस किस आधार पर मिलती है? उत्तर में बाबा कहते, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस लेना है तो बाप का पूरा मददगार बनो, श्रीमत पर चलते रहो। सतयुग में कौन आएगा, सूर्यवंशी राजाई में कौन आएगा जो बाप के पूरे पूरे मददगार बनेंगे, बाप का हर कहना मानेंगे, हर आज्ञा का पालन करेंगे। आशीर्वाद नहीं मांगनी है लेकिन योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। भक्ति मार्ग में तो हम मांगते ही आए, बाबा कहते हैं अब क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। क्या करना है, बाबा ने हमें ये समझाया है, तो योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग, एक मोस्ट बिलिवेड बाप को याद करो तो तुम्हें सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस मिल जाएगी, उसमें पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ होगा। सुख, शांति, पवित्रता की दुनिया में कौन जाएगा जो खुद की देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलेगा, त्यागेगा, मन बुद्धि सिर्फ एक बाप में लगाएगा, मोस्ट बेलवेड बाप को याद करेगा, उनको मिलेगी सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस जहाँ पे सब कुछ होगा। तो पढ़ाई करनी है, बाबा को याद करना है, धारणा मूर्त बनना है और मददगार बनना है। गीत बजा।
शांति। ओम शांति का अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में रहता ही है। अर्थ हमें पता है ना कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो बाप जो समझाते हैं वह इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे और किसको समझ में नहीं आएगा। वह ऐसे समझेंगे जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में नया जाकर बैठे तो कुछ समझ न सके, जिस पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं, नई नई पढ़ाई है तो क्या समझ में आएगा। ऐसे कोई सत्संग होता नहीं जहाँ मनुष्य जाए और कुछ न समझे। वहाँ तो है ही शास्त्र आदि सुनाने की बातें। यह है बड़े ते बड़ी कॉलेज, है ना? हमारा टीचर कितना बड़ा है, कॉलेज कितनी बड़ी, पढ़ाई कितनी बड़ी और प्राप्ति भी कितनी बड़ी है। तो नई बात नहीं है। फिर से वह दिन आया आज जबकि बाप बैठ बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। इस समय भारत में राजाई तो है नहीं, तुम इस राजयोग से राजाओं का राजा बनते हो। अर्थात तुम जानते हो कि जो विकारी राजाएं हैं उनके भी हम राजा बन रहे हैं। द्वापर में जो विकारी राजा होंगे वो भी पूजेंगे ना देवी देवताओं को, तो उनके भी राजा बन रहे हैं। बुद्धि मिली है, जो कोई कर्म करते हैं वह बुद्धि में रहता है ना। जो कुछ हम करते हैं हमारे साथ होता है तो सब कुछ बुद्धि में रहता है, याद रहता है। तुम वॉरियर्स हो, जानते हो हम आत्माएं अब बाप के साथ योग रखने से भारत को पवित्र बनाते हैं और चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज धारण कर हम चक्रवर्ती राजा बन रहे हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम युद्ध के मैदान में हैं, विजय तो हमारी है ही। विकारों से युद्ध है लेकिन बाबा ने हमें युक्तियां बताई हैं, तो विजय तो हमारी है ही। यह तो सर्टेन है, निश्चित है, भावी है कि बाबा का कहना माने तो विजय तो निश्चित है। निश्चय बुद्धि है तो विजय निश्चित है। बरोबर हम अब इस भारत को फिर से दैवी डबल सिरताज राजस्थान बना रहे हैं। तो पवित्रता का ताज होगा और रत्न जड़ित ताज होगा, डबल सिरताज बनेंगे हम। बाबा चित्रों के लिए बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। हम 84 जन्म पूरे कर अब वापस जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा कुमारियों की यह संस्था क्या है? पूछते हैं ना, सब पूछते हैं ना, आप लोग क्या करते हैं? बीके फट से कहती हैं कि हम इस भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। श्रीमत पर भगवान जैसा कह रहे हैं हम वही कर रहे हैं। मनुष्य श्री का अर्थ भी नहीं जानते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तुम जानते हो श्री श्री शिव बाबा है, उनकी ही माला बनती है। यह सारी रचना किसकी है? क्रिएटर तो बाप हुआ ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो भी हैं, यह सारी माला है रुद्र शिव बाबा की। सब अपने रचता को जानते हैं परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। वह कब और कैसे आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं यह किसकी बुद्धि में भी नहीं है। वह तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत वर्ष चलना है। कहते हैं ना 40,000 साल बाकी है, कलयुग तो अभी बच्चा है, सोए हुए इसलिए कुंभकर्ण की नींद में। और बाबा कहते हैं देखो जागो जागो जागो। अभी तुम जानते हो हम दैवी राजस्थान स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। बरोबर दैवी राजस्थान होगा फिर क्षत्रिय राजस्थान होगा। पहले दैवी राजस्थान सतयुगी राजाई और फिर त्रेता आएगा ना, तो क्षत्रिय राजस्थान। पहले सूर्यवंशी कुल फिर क्षत्रिय कुल का राज्य होगा। तुमको चक्रवर्ती राजा रानी बनना है तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए ना। तुम किसको भी इन चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी कुल और यह राम सीता है क्षत्रिय कुल। फिर वैश्य शूद्रवंशी पतित कुल बन जाते हैं, पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। सिंगल ताज वाले राजाओं का चित्र भी बनाना चाहिए।
यह एग्जीबिशन बड़ी वंडरफुल हो जाएगी। अलग अलग तरह के चित्र बना के समझाएंगे तो बाबा कहते हैं एग्जीबिशन वंडरफुल हो जाएगी। तो सिंगल ताज, डबल सिर ताज, सब तरह का चित्र बाबा कहते हैं बनाओ समझाओ। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार सर्विस अर्थ यह एग्जीबिशन बहुत जरूरी है, तब तो बच्चों की बुद्धि में बैठेगा। चित्र देखकर जल्दी समझ में आता है ना, नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है वह चित्रों द्वारा समझाया जाता है। बच्चों की बुद्धि में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, यह तो समझाया है। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है, सो भी जब बूढ़े होते हैं तब अनायास ख्याल आता है कि यह पुराना शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेना है। यह ख्यालात पिछाड़ी के टाइम में आता है, जब शरीर छोड़ने का समय आता है आत्मा का, तो इस तरह के विचार आते हैं। बाकी सारा टाइम खुशी मौज में रहते हैं, पहले यह ज्ञान नहीं रहता है। बच्चों को समझाया है यह परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश काल कोई भी नहीं जानते, जब तक कि बाप आकर अपना परिचय दे, और परिचय भी बहुत गंभीर है, गंभीर है, गहरा है, सत्य है ना। खुदा खुद आकर अपना परिचय देते हैं। देखो सतयुग में हम आत्माभिमानी होंगे लेकिन परमात्माभिमानी, आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी हम अभी संगम युग पर होते हैं। बाबा परिचय देते हैं, हमें भी हमसे मिलाते हैं और खुद का भी परिचय देते हैं, उनसे भी हम मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि परिचय भी बहुत गंभीर है, उनका रूप तो पहले लिंग ही कहना पड़ता। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के लिंग बनाते हैं जिनकी पूजा होती आई है, तो शिवलिंग बनाते हैं। धीरे धीरे बाबा ने ज्ञान समझाया, पहले लिंग, फिर बोले ना आत्मा अंगुष्ठ मिसल है, अंगूठे के आकार के, फिर बोला बिंदी स्वरूप है ना। तो धीरे धीरे बाबा ने परिचय दिया। तो बाप ने पहले यह नहीं बताया कि बिंदी रूप है, बिंदी रूप कहते थे तुम समझ नहीं सकते, शुरू में तो कैसे पढ़ा देंगे, पीएचडी थोड़ी कराएंगे ना, पहले नर्सरी होता है फिर प्राइमरी होता है, धीरे धीरे पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो बात जब समझानी है तब समझाते हैं, थोड़ी बुद्धि खुले तब तो समझ में आएगा ना, ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया जो आज समझाते हो। नहीं, ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। बच्चे को भी एकदम से सॉलिड फूड थोड़ी खिलाते हैं, पहले लिक्विड होता है फिर सेमी सॉलिड होता है फिर सॉलिड होता है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंद है धीरे धीरे बताने का। इस एग्जीबिशन से बहुत सर्विस की वृद्धि होती है, इन्वेंशन निकलती है तो फिर वृद्धि होती जाती है। जैसे बाबा मोटर का मिसाल देते हैं, पहले इन्वेंशन करने में मेहनत लगी होगी, फिर तो देखो बड़े बड़े कारखानों में एक मिनट में मोटर तैयार हो जाती है, कितनी साइंस निकली है। कोई चीज़ का इन्वेंशन हो, खोज हो, तो टाइम लगता है, फिर जब एक बार फॉर्मूला पता लग जाता है तो देखो फटफट बनता है। तो बाबा कहते हैं कितनी साइंस निकली है। तुम जानते हो कितना बड़ा भारत है, कितनी बड़ी दुनिया है, फिर कितनी छोटी हो जाएगी। यह बुद्धि में अच्छी रीति बिठाना है, जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की ही बुद्धि में रहेगा, बाकी का तो खान पान झरमुई झगमुई में ही टाइम वेस्ट होता है। हमारा टाइम कहाँ जाता है, ज्ञान योग धारणा सेवा के अलावा कहीं भी टाइम जा रहा है, माना टाइम वेस्ट है। यह तुम जानते हो भारत में फिर से दैवी राजस्थान स्थापन हो रहा है, वास्तव में किंगडम अक्षर भी रॉन्ग है। बाबा कहते हैं कि दैवी राजस्थान अभी स्थापन हो रहा है और किंगडम अक्षर भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, भारत दैवी राजस्थान बन रहा है, है? कोई राजाई अभी चली तो नहीं आई ना, अभी तो बन रहा है। इस समय आसुरी राजस्थान है, रावण का राज्य है, हर एक में 5 विकार प्रवेश है, कितनी करोड़ आत्माएं हैं, सब एक्टर्स हैं।
सबका पार्ट देखो अलग अलग है, अपने अपने समय पर आकर और फिर चले जाते हैं। फिर हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना होता है, सेकंड बाय सेकंड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। जो कल्प पहले पार्ट बजाया था वही अब बचता है, इतना सब बुद्धि में रखना है। जैसा पार्ट अभी हम बजाएंगे वही कल्प कल्प रिपीट होगा। धंधे धोरी में रहने से तो फिर मुश्किल हो जाता है, परंतु बाप कहते हैं प्रभात का तो गायन है। तो हर सेकंड बाबा को याद करेंगे तो यही पार्ट चलेगा। बाबा कहते हैं जो पार्ट पहले बजाया वही अब बजता है, लेकिन धंधे धोरी में रहे तो बाबा को हम याद नहीं कर पाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि मुश्किल होता है धंधे धोरी में, लेकिन फिर भी सुबह सुबह का समय का तो गायन है कि भगवान का नाम लो। गाते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन, भक्ति में भी कहते हैं ना कि सुबह सुबह राम को सिमरो। बाप कहते हैं अभी और कुछ भी नहीं सिमरो, प्रभात के समय मुझे याद करो। देखें हम सुबह सुबह किसकी याद आती है सबसे पहले, आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करते हैं। बाप अभी सम्मुख कहते हैं भक्ति मार्ग में फिर गायन चलता है, सतयुग त्रेता में तो गायन होता नहीं। बाप समझाते हैं हे आत्मा अपने मन बुद्धि से प्रभात के समय मुझ बाप को याद करो। भक्त लोग अक्सर करके रात को जागते हैं, कुछ न कुछ याद करते हैं, यहाँ की रस्म रिवाज फिर भक्ति मार्ग में चली आई है। बाबा भी कहते हैं ना रात दिन याद करो, रात को जाग कर याद करो, सुबह सुबह याद करो, अमृत वेला का कितना महत्व है। तो यही रस्म भक्ति मार्ग में चलती आती है। तुम बच्चों को समझाने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ मिलती रहती हैं। भारत इतना समय पहले दैवी राजस्थान था, फिर क्षत्रिय राजस्थान हुआ, फिर वैश्य राजस्थान बना। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, गिरना जरूर है, मुख्य है या चक्र। चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम कलयुग में बैठे हो, सामने सतयुग है। यह चक्र कैसे फिरता है इसका तुमको ज्ञान है। जानते हो कल हम सतयुगी राजधानी में होंगे, कितना सहज है। ऊपर में त्रिमूर्ति शिव भी है, चक्र भी है, लक्ष्मी नारायण भी इसमें आ जाते हैं। यह चित्र सामने रखा हुआ हो तो कोई को भी सहज रीति समझा सकते हो। भारत दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है। अभी तो देखो हर तरफ क्या है, असुरों का राज्य है ना, आसुरी प्रवृत्ति है, आसुरी अवगुण है। सिंगल ताज वाले भी नहीं है, अब तो प्रजातंत्र है। चित्रों पर ही तुम बच्चों को समझाना है, यह चित्र बहुत वैल्यूएबल है, कितनी वंडरफुल चीज है, तो वंडरफुल रीति समझाना भी पड़े। इतने मुख्य प्रमुख गहरे गुह्य राज वाले चित्र हैं तो अच्छी तरह से समझाना भी चाहिए। यह झाड़ और त्रिमूर्ति का चित्र भी सबको अपने अपने घर में रखना पड़े। कोई भी मित्र संबंधी आए तो बाबा कहते हैं इन चित्रों पर ही समझाना चाहिए, कैसा झाड़ है कैसा चक्र है सब बताना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, हर एक बच्चों के पास यह चित्र जरूर होने चाहिए, साथ में अच्छे अच्छे गीत भी हों। कितना मधुर संगीत है ना, बाबा के गाने देखो कितने अच्छे हैं। आखिर वह दिन आया आज, बरोबर बाबा आया हुआ है, हमको राजयोग सिखलाते हैं। चित्र तो कोई भी मांगे मिल सकते हैं, गरीबों को फ्री मिल सकते हैं, परंतु समझाने की भी ताकत चाहिए। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना। तुम दानी हो, तुम्हारे जैसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कोई कर नहीं सकता। किसी के पास ये खजाना ही नहीं है तो कौन दान करेगा। हमने जमा किया है अविनाशी ज्ञान रत्न, तभी तो दान कर सकते हैं ना। ऐसा दान कोई होता नहीं,
ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। देखो जीवन ही परिवर्तन हो जाता है, तो बाबा कहते हैं तो दान करना चाहिए, जो आए उनको समझाना चाहिए, फिर एक दो को देख बहुत आएंगे, धीरे धीरे वृद्धि होगी, सबका जीवन परिवर्तन देखेंगे, संस्कार परिवर्तन देखेंगे तो आएंगे बाबा के घर में। यह चित्र मोस्ट वैल्यूएबल चीज है, अमूल्य है, जैसे तुम भी अमूल्य कहलाते हो। कोई दाम लगा सकता है कोई ऑप्शन में रख सकते हैं, अनमोल है, अमूल्य है, तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। यह चित्र विलायत में ले जाकर कोई समझाए तो कमाल हो जाए। देखो अब तो विदेशों में भी कितनी सेवा हो रही है, 140 देशों में बाबा के लगभग छोटे बड़े मिला के 9-10 हज़ार सेंटर हैं। देखो कैसे विदेशियों को भी समझ में आता है, तो कमाल हो रहा है ना, बाबा के बच्चे निकल रहे हैं। इतना समय यह सन्यासी लोग कहते आए कि हम भारत का योग सिखलाते हैं, हर एक अपने धर्म की महिमा करते हैं। बौद्ध धर्म वाले कितने को बौद्धि बना देते हैं, परंतु उससे फायदा तो कुछ भी नहीं। तुम तो यहाँ मनुष्य को बंदर से मंदिर लायक बनाते हो। बाबा तो धारणा सिखाते हैं ना, धारयति इति धर्म। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे, भारत गोरा था, अभी भारत काला है, माना पतित है। कितने मनुष्य हैं सतयुग में, तो बहुत थोड़े होंगे ना। संगम पर ही बाप आकर स्थापना करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, उन बच्चों को ही सिखलाते हैं जिन्होंने कल्प पहले भी सीखा था। स्थापना तो होनी ही है, बच्चे रावण से हार खाते हैं फिर रावण पर जीत पाते हैं। पहले रावण से हार खाते हैं, अधीन होते हैं ना विकारों के, और फिर देखो रावण पर जीत पाते हैं, फिर तो आत्माभिमानी बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, कर्मेंद्रियां गुलाम हो जाती हैं। कितना सहज है, तो बच्चों को बड़े चित्र बनवाकर उस पर सर्विस करनी चाहिए। बाबा कहते बड़े बड़े चित्र बनाओ ताकि दूर से ही लोग देखें, तो बड़े बड़े अक्षर होने चाहिए, लिखना चाहिए। यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता है। जरूर जब दुर्गति पूरी होगी तब तो बाप सदगति करने आएंगे ना, तो अब तो देखो कलयुग चरम सीमा पर है, तभी तो बाबा आ गए। बाबा ने समझाया है ऐसे कभी भी किसको नहीं कहना कि भक्ति ना करो। अपने आप मुरली सुनेंगे, अपने आप समझ में आएगा भगवान क्या कह रहे हैं, तो भक्ति छूट जाएगी। तो कहना नहीं है कि भक्ति ना करो, नहीं, बाप का परिचय दे समझाना है तब तीर लगेगा। भगवान को मानने से कुछ नहीं होगा, भगवान की मानना पड़े तो देखो कैसा परिवर्तन होगा। तो तुम जानते हो महाभारत लड़ाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह बड़ा भारी यज्ञ है, इस यज्ञ से ही यह लड़ाई प्रज्वलित हुई है, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है, मनुष्यों को पीस प्राइस मिलती रहती है, परंतु पीस तो होती नहीं। वास्तव में पीस स्थापन करने वाला तो एक ही बाप है, उनके साथ तुम मददगार हो। क्या मदद कर सकते हैं हम शांत रहे, ये सबसे बड़ी मदद है। प्राइज भी तुमको मिलनी है, बाप को थोड़ी प्राइज मिलती है, बाप तो है देने वाला, तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्राइज मिलती है। बेशुमार बच्चे होंगे, तुम अभी प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो, कितनी भारी प्राइज है। जानते हो जितना जो मेहनत करेंगे उनको सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिलेगी। बाप है श्रीमत देने वाला, ऐसे नहीं बाबा आशीर्वाद करो, कृपा करिए, रहम करिए, आशीर्वाद करिए, और जो कहे वो कुछ करना नहीं है तो कुछ होगा। तो स्टूडेंट को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे,
योग बल से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। तुम सब सीताएं हो, आग से पार होती हो। अग्नि परीक्षा देनी है, योग अग्नि में तपना है। या तो योग बल से पार होना है या तो आग में जलना पड़े, नहीं तो सजा मिलेगी। या तो सजा बल या तो योग बल। देह सहित सब संबंधों को त्याग कर एक मोस्ट बेलिविड बाप को याद करना है, परंतु यह याद निरंतर रहने में बड़ी मुश्किलात है। निरंतर, एक सेकंड का भी अंतर न पड़े, लेकिन मुश्किल है, टाइम लगता है। गाया भी हुआ है योग अग्नि। भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है क्योंकि गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, उसमें राजयोग अक्षर है, परंतु राज अक्षर गुमकर सिर्फ योग अक्षर पकड़ लिया है। बाप बिगर कोई कह न सके कि इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। अभी तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम सब आत्माएं वहां परम धाम में निवास करने वाली हैं, फिर शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं। पुनर्जन्म शिव बाबा तो नहीं लेते। हम आत्माएं देखो कितने शरीर धारण करती हैं, मैक्सिमम 84, मिनिमम 1, लेकिन बाबा का पुनर्जन्म तो नहीं होता है। दिव्य अवतरण है बाबा का। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पुनर्जन्म नहीं लेना है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतित से पावन बनाने, इसलिए ही सब याद करते हैं, पतित पावन आओ। यह एक्यूरेट अक्षर है। बाप कहते हैं हम तुमको पावन सो देवी देवता बना रहे हैं, तो इतना नशा भी चढ़ना चाहिए। स्वयं भगवान हमारे ऊपर काम कर रहा है इस बात का नशा। बाबा इनमें आकर हमको शिक्षा दे रहे हैं। इस फलों के बगीचे का बागवान कौन है? बाबा है। बाबा का हमने हाथ पकड़ा है। बाबा को हाथ पकड़ा देना है। हम पकड़ेंगे तो हम तो कभी छोड़ देंगे, है ना? तो बाबा को अपना हाथ पकड़ा देना है। बाबा पकड़ेंगे तो कभी नहीं छोड़ेंगे। बागवान है, देखो इसमें सारी बुद्धि की बात है। तो बुद्धि से बाबा को पकड़ लेना है, एक बाबा को ही बुद्धि में बिठाना है। बाबा हमको उस पार विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। वहां विष होता नहीं, इसलिए उनको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। तो वॉइसलेस वर्ल्ड में जाना है तो बाप का कहना मानना पड़े। बाबा का हाथ क्या है? श्रीमत है ना, तो श्रीमत रूपी हाथ थामे रहना है। निर्विकारी भारत था, अब वह विकारी बना हुआ है। यह चक्र भारत के लिए ही है। भारतवासी ही चक्र लगाते हैं और धर्म वाले पूरा चक्र नहीं लगाते, वह तो पिछाड़ी में आते हैं। यह बड़ा वंडरफुल चक्र है। बुद्धि में नशा रहना चाहिए, इन चित्रों पर बड़ा अटेंशन रहना चाहिए। सर्विस करके दिखाओ, विलायत में भी चित्र जाए तो नाम बाला होगा, विहंग मार्ग की सर्विस हो जाए। अच्छा, विहंग मार्ग की सर्विस, हाँ, बेहद की सर्विस, भारत की हदों से पार विदेशों में भी हुई ना। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, देखो कितनी सेवा बढ़ी। फिर तो बाबा कहते हैं ये चित्र विलायत में भी जाए। तो अब तो 140 देशों में बाबा का चित्र पहुंच चुका है। हाँ, कितनी एग्जीबिशंस, कितना ज्ञान, चित्र देखकर बाबा के कितने बच्चे निकले, बाबा को पहचाने, आए, है ना। तो विहंग मार्ग की सर्विस हो रही है, लेकिन अभी भी कई हैं, कई आत्माएं हैं, अनेक आत्माएं हैं जिनको ब्रह्मा कुमारी इसका बी भी नहीं पता है। हाँ, तो चित्र से, चरित्र से सेवा करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जो मिला है उसे दान करना है। अपना समय खाने पीने झरमुई झगमुई में व्यर्थ नहीं गवाना है, मतलब इधर उधर की फालतू बातें, गप्पबाजी, झूठ, ये सब में समय व्यर्थ नहीं गवाना है। दूसरा, कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। बाप से आशीर्वाद या कृपा मांगनी नहीं है, उनकी राय पर चलते रहना है। वरदान है, सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। बाप दादा समझाते हैं, आप बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, इस श्रेष्ठ कर्म अथवा सेवा का प्रत्यक्ष फल है सर्व द्वारा महिमा होना। बाबा कहते हैं कि सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है, सर्व द्वारा महिमा होना। हमारे अच्छे कर्म कोई देखता है तो भी हमारी महिमा करता है। तो सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट मिलती है। यह सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन यह सिद्धियां रास्ते की चट्टियां हैं, यह कोई फाइनल मंजिल नहीं है। इसलिए इसके त्यागवान भाग्यवान बनो, इसको ही कहा जाता है महात्यागी बनना। महिमा हो गई तो ये कोई फाइनल मंजिल नहीं है। बाबा कहते हैं ये सब सिद्धियां नाम मान शान क्या है, रास्ते की चट्टियां हैं। साइड सीन्स आते रहते हैं ना, माइलस्टोन आते हैं ना, लिखा रहता है कि कितने किलोमीटर है अब, कितने मील है अब, लेकिन ये फाइनल मंजिल थोड़ी है ना, तो मंजिल दूर है। बाबा कहते हैं नाम मान शान में ही नहीं अटक जाना, मंजिल क्या है, संपूर्ण बनना है, बाबा को पाना है, बाबा के दिल तक पहुंचना है, बेहद की सेवा करनी है, बाबा का नाम रोशन करना है, बाबा का नाम बाला करना है, बाप की प्रत्यक्षता करनी है ना, ये मंजिल है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए त्यागवान बनो, भाग्यवान बनो, ये छोटे छोटे रास्तों में नहीं अटकना है, तो इसको ही कहा जाता है महात्यागी बनना। गुप्त महादानी की विशेषता ही है त्याग के भी त्यागी। फिर ये नहीं कि हमने नाम मान शान छोड़ा, हमने लौकिक का ये छोड़ा, नहीं, त्याग का भी त्याग, कुछ छोड़ा है कुछ त्याग किया है ये भी भावना ना हो, तो त्याग का भी त्याग। बाबा कहते हैं ऐसे गुप्त महादानी बनना है। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो साक्षी हो, हर आत्मा का पाठ देखो और सकाश दो। फरिश्ता बनना है तो साक्षी हो, हर आत्मा का पाठ देखो और सकाश दो। हम किसी का भी कोई पाठ देखते हैं, कर्म देखते हैं, तो हम टिप्पणी करते हैं, कमेंट करते हैं। बाबा कहते हैं उस आत्मा का पाठ देखो साक्षी होकर, और कुछ लगता भी है कि इनमें कुछ परिवर्तन चाहिए तो फिर सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना और बाबा से शक्ति लेकर उनको भी देनी है, सकाश देना है। तो ऐसा फरिश्ता हमें बनना है। ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं, पहला प्रभात, बाबा ने अमृत वेले में याद करने का, मन बुद्धि बाबा में लगानी है। दूसरा, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज कैसे मिलेगी, पीस स्थापन करने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, योग बल जमा करना है। तीसरा, चित्रों पर सेवा करने कहा बाबा ने, तो देश विदेश में भी चित्र जाएं और चरित्र से हर तरफ सेवा हो, ऐसा धारणा मूर्त बनना है। चौथा, महात्यागी, नाम मान शान इसका त्याग करना है, और त्याग का भी त्याग, महात्यागी बनना है। और पांचवा, साक्षी, तो हर आत्मा का पाठ साक्षी होकर
देखना है, ऐसा फरिश्ता हमें बनना है। ओम शांति।